Now open your Moral Science book, Lesson 13, My India. This chapter is in your book, page number 51. My India is a beautiful country. Just as we have one own little home and our home little family. जैसे एक छोटा सा अपना घर होता है और एक फैमिली होती है उसी तरह से. सो इंडिया आर कंट्री इज अ बिग होम और अ बिग फैमिली. तो जो इंडिया हमारा पूरा ये जो पूरा कंट्री है ये एक बड़ा होम है और बड़ी फैमिली है उसी तरह से. जैसे हम लोग प्यार मोहब्बत से अपने घर में रहते हैं वैसे ही. इंडिया इज नोन एज इंडिया इज आर कंट्री इज नोन बाई थ्री नेम्स. इंडिया, भारत और हिंदुस्तान. हमारे इंडिया के पास थ्री नेम्स है, इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. हाउ विल आई शो माई लव फॉर माई कंट्री. आई वॉन्ट इंडिया टू बी प्राउड ऑफ मी. अब मैं अपना लव, अपना रिस्पेक्ट कैसे शो करूं अपनी कंट्री के लिए. मैं क्या करूं कि इंडिया को मुझ पर गर्व हो. आई विल लर्न मोर अबाउट माई कंट्री. मैं अपने कंट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगी. आई विल लव ऑल इंडियंस एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मैं ऑल इंडियंस को, सारे हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, क्रिश्चन हो, कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, नो मैटर, उसको मैं अपने भाई और बहन की तरह अपने प्यार से ट्रीट करूँगी. वेन आई ग्रो अप आई विल सर्व माई कंट्री. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने देश की सेवा करूंगी. देश की कैसे सेवा करूंगी? अपने देश का नाम रोशन करके, पढ़ लिख के. नाउ कलर द फ्लैग ऑफ आर कंट्री. यू हैव टू कलर. इन मॉरल साइंस एग्जामिनेशन आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो, पिक आउट टू वर्ड्स फ्रॉम द जंबल्ड लेटर एंड एक्सप्रेस योर लॉयल्टी टू द कंट्री. अब इसमें ये ऐसे जंबल्ड लेटर है, इससे ऐसे आपको दो ऐसे टू वर्ड्स को छांटिए कि आपकी लॉयल्टी शो हो. राइट द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो. गिवन बिलो इन द फ्लैग ऑन पेज नंबर 52. पेज नंबर 52 के फ्लैग के नीचे ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे आपको लिखना है. अब यहाँ से आपने क्या लिया? जे A I H I N D, Jai Hind, right here. First you write here today's date. Today is 23rd of January 2021. Now write here J A I H I N D. This is your homework, that you color your flag. Now, pick out from the words given below and fill in the blanks. Now, this is your homework. You take the words from here and fill these blanks. Okay. I love my country, India. I have made it beautiful, oh God. यानी आप गॉड को बोल रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को और ब्यूटीफुल बनाएंगे. आप कहीं भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, किसी पार्क में जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, यू विल नॉट मेक दैट प्लेस डर्टी. अपनी क्लास में बैठेंगे, घर में रहेंगे, यू विल नॉट मेक द प्लेस डर्टी. आप अपने ट्रीज, प्लांट, आप प्लांट्स करें, प्लांट्स प्लांट करेंगे, आप लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे. इट इज माई बिग फैमिली होम. All are my brothers and sister. Teach me to proud of my country. यानी भगवान जी, मेरी फैमिली में, मेरी इंडिया नाम की फैमिली में जितने लोग हैं वो एक बड़ी फैमिली है, बड़ा होम है, उसमें सारे रहने वाले मेरे भाई बहन हैं. और मुझे मदद कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने कंट्री को प्राउड फील कराऊँ, मैं अपनी कंट्री को, एंड टू सर्व इट टू विद लव. मैं अपनी कंट्री की कैसे सेवा करूँ, सर्व करूँ. Now this is time to remember. This land is our land. This land is my land. हमारा land है, मेरा land है. From the Himalaya mountains to the Indian Ocean. हिमालय mountains से लेके Indian Ocean तक. From the Bay of Bengal to Arabian water. मतलब Bay of Bengal से Arabian Sea तक. This land was made for you and me. ये सारी चीज आपके और मेरे लिए, because we all are Indian. This is a country of different people.
of Skate Temple and Taj Slip. This is a great land where we are born free. ये एक ऐसा country है जहाँ पे आपको towers भी, मतलब कि जहाँ पे आपको मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगा, जहाँ पे आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. और ये क्या है, यहाँ पे आपने ये, दिस इज़ द ग्रैंड ग्रेट लैंड, बहुत ही ये ग्रेट कंट्री है जहाँ पे आपने फ्री बॉन्ड लिया है. यहाँ पे यह फ्री है, ये हमारा इंडिया, नाउ इट इज़ फ्री. दिस लैंड वॉज मेड फॉर यू एंड मी. ये जो हमारी इंडिया, जो हमारा कंट्री है, ये आपके और मेरे लिए है. आई शेल लर्न मोर अबाउट इंडिया. मैं अपने कंट्री के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगी. कैसे, टॉकिंग टू माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टेलीविजन एंड विजिटिंग प्लेस. आप इस तरह से अपने कंट्री के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं. सो चैम्पियंस, दिस इज मॉरल साइंस वन मोर चैप्टर. मैं मॉरल साइंस की बुक से भी थर्ड सेमेस्टर से, सॉरी हाफ ईयरली के बाद से, ऐसे समझ लीजिए, आई विल सेंड द सिलेबस ऑल्सो फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि मॉरल साइंस का मैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ से ऑलमोस्ट ये हाफ हमारा सेमेस्टर होता है, हमारा हाफ ईयरली के बाद का होता है. यहाँ से भी मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. सो बी प्रिपेयर. लर्न यूनिवर्सल प्रेयर, लर्न अ थॉट.